आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के लोन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट बैंक से कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं, कितना लोन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप फिनो पेमेंट बैंक से, और कितने प्रकार का लोन है फिनो पेमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा अगर आप यहाँ से फिनो पेमेंट लोन लेना चाहते हैं किस प्रकार आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कितने तक आप यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें आपको लोन लेने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा इस डायरेक्ट साइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। या तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना और सर्च बार में टाइप करना finofincare.in, जैसे फ्रेंड आप टाइप करेंगे सीधा इस साइट में आ जाएंगे। आने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से देखते आप कितने प्रकार से यहाँ से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ अगर पहले लोन अगर हम यहाँ से फिर पहले लोन की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ से JLG लोन है, फिर आप यहाँ से JLG लोन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मालूम होगा JLG लोन के बारे में क्या बताया, उसमें कितनी राशि यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। JLG लोन उन ग्रामीण एवं अर्ध शहरी महिलाओं को दिया जाता है, फिर उनको ग्रामीण जो छोटे पैमाने पर अपनी आय सृजन करने में संलग्न करना चाहते हैं। फिर यह JLG लोन है जो उन ग्रामीण महिलाओं और अर्ध शहरी महिलाओं को दिया जाता है जो छोटे पैमाने पर आय सृजन गतिविधियों में संलग्न है, जो छोटे पैमाने पैसे के यहाँ से संलग्न करना चाहते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पर यहाँ से दिखाया गया, जैसे मान लीजिए कोई सिलाई का सेंटर खोलना चाहता है, फिर कोई यहाँ से अगर औरतें जो भी होती हैं जो अपना कुछ अलग से काम करना चाहती हैं तो उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। इनकी आय कितनी है फ्रेंड, यहाँ से 10,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आप यहाँ से लोन अर्जित कर सकते हैं। यानी फ्रेंड आप यहाँ से JLG लोन से आप यहाँ देखते JLG लोन से आप यहाँ से 10,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। लोन प्रोसेसिंग फीस रहेगी फ्रेंड आप यहाँ से लोन अमाउंट का 1% प्लस GST, यानी फ्रेंड आपको लोन का अमाउंट का 1% और प्लस आपको साथ यहाँ आपको GST भी फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से बीमा प्रीमियम जो कि क्रेडिट जीवन बीमा रहेगा वो राशि यहाँ से ऋण राशि का 1% तक रहेगा। फिर यहाँ से ब्याज की दर रहेगी फ्रेंड, यहाँ से लिखा गया है सेस को कम करने गणनी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुवार तिमाही में संयोजित किया जाएगा। यानी फ्रेंड जो आपके यहाँ से जो ब्याज की दर वह तिमाही में संयोजित किया जाएगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार यह तिमाही में ही संयोजित किया जाएगा। इस ऋण की अवधि रहेगी फ्रेंड 1 से 2 वर्ष तक। अब इसके बाद फ्रेंड हम दूसरे यहाँ से लोन के बारे में बात करें, लिखा गया है देख सकते हैं MSME से आप कैसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो MSME के ऋण ले फ्रेंड आपको MSME वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जिस आप MSME वाले ऑप्शन में क्लिक करें आपके सामने फिर से MSME के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, आप किस प्रकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए जहाँ से बताया गया है कि MSME ऋण जिनको यह व्यापार के लिए जाता है, विनियोग एवं सेवाओं के लिए क्या क्षेत्र में दिया जाता है, एवं छोटे एवं मध्यम खंड के यहाँ से व्यवसायियों को खंडित लक्षणों से होते हुए योग आय व्यवसाय के बारे में जिनको कारणों से लोन दिया जाता है, लेन देन के बारे में प्रलेखन में कमी के कारण मुख्यतः वित्तीय आयोग के लिए MSME लोन होते हैं प्रोवाइड किया जाता है। इस ऋण में सभी जो प्रक्रियाएं और दस्तावेजीकरण ग्राहकों को सुविधा और उनके द्वार वितरणता को प्राथमिक देने के लिए डिजाइन किया गया, यानी फिर जो उनको प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया जो अपना छोटा व्यापार चलाना चाहते हैं, विनियोग और सेवा क्षेत्रों में होते हैं जो कि छोटे एवं मध्यम खंड के व्यवसायों को चलाते हैं उनको ये लोन दिया जाता है। इस लोन के बाद इनकी अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लोन की अमाउंट कितना रहेगी 1 लाख से लेकर यहाँ से 15 लाख रुपये तक यहाँ से लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका समय क्या रहता है फिर अब 2 साल से यहाँ 10 साल, फिर कहना मतलब ये लोन को आप यहाँ से 2 साल से लेकर 10 साल तक के अंदर यहाँ से ले सकते हो, इसे वापस चुका सकते हैं। इसके बाद इस रेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ से अमाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यानी फ्रेंड जो MSME के यहाँ से बिजनेस होते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं MSME बिजनेस के लिए। आप इस प्रकार जिनमें से आपको 10 लाख 1 लाख से 15 लाख तक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस प्रकार बिजनेस जिस प्रकार से फ्रेंड आप अपना ऐसे शॉप ओपन करना चाहे उस हिसाब से आप यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड हम यहाँ से तीसरे प्रकार की लोन की बात करें, जैसे आप देखते लिखा कि व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण असंरक्षित, यानी में आपको व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का लोन जहाँ से क्या प्राप्त कर व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण में आप देख सकते हैं व्यक्तिगत करना चाहते तो आप यहाँ से सूक्ष्म ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये ऋण हमारी शाखाओं के आसपास के क्षेत्र जो कि छोटी दुकान व्यवसाय के मालिकों पर लगे उनको भी दिया जाता है। यहाँ से AFPL के उद्देश्यों से उद्यमियों को उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। सभी प्रकार के जो प्रक्रियाओं जो प्रलेखन को ग्राहक की सुविधा एवं दरवाजे वितरण की प्राथमिकता दिया जाता है।
इसमें फ्रेंड लोन को आप यहाँ से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी टाइम काल 1 से लेकर 2 साल तक रहता है। तो फ्रेंड इतने प्रकार के लोन जो आप इसे फिनो पेमेंट बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी यहाँ से लेना चाहते तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 प्रकार के आप इसे लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें पहला मैंने बता दिया JLG लोन हुआ, जिनमें आपको JLG ले सकते हैं। फिर MSME ऋण आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आप 1 लाख से लेकर 15 लाख तक ले सकते हैं। और व्यक्तिगत ऋण आप इसे 50,000 से लेकर 1,000 रुपये तक इस प्रकार से लोन ले सकते हैं। फिर जिस भी आप लोन को लेना चाहते हैं आपको यहाँ से अप्लाई करने के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई के लिए आवेदन करें, फिर अप्लाई नाउ के यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको यहाँ से और अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क करें, एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कॉन्टैक्ट एज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे फिर आप इसे कॉन्टैक्ट एज वाले ऑप्शन में क्लिक करें तो देखते हैं कितने प्रकार की शिकायत रहेगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। जहाँ से फ्रेंड आप ग्राहक सेवा केंद्र करना चाहते हैं ग्राहक कर सकते हैं, यहाँ से संपर्क के प्रपत्र करना चाहिए इसको भी कर सकते हैं, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय वहाँ चल सकते हैं, अनुपालन में नोडल अधिकारी से बात करें तो कर सकते हैं, शिकायत में अगर कोई सुधार करना चाहे तो वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। संपर्क जिस मालिक को कोई जानकारी तो आप संपर्क कार्य वाले प्रपत्र वाले ऑप्शन में क्लिक करें, यहाँ से जो भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, हेल्पलाइन रहेगा, ये वर्क करने कितना टाइम है, ईमेल आईडी क्या है, और पूरी चीज़ आपको ऐसे मिल जाएगी। यहाँ से फ्रेंड आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, विषय देख सकते हैं आपको क्या किस वजह से यहाँ से आप संपर्क करना चाहते हैं उसको करना, फिर रिबूट करना, फिर भेजने वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे यहाँ आपके हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको जो भी फिनो पेमेंट तरफ से संपर्क किया जाएगा। इसको फ्रेंड आप लोन लेना चाहें तो आपके लोन के लिए आवेदन करने वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जैसे आप इस 2-3 यहाँ प्रकार से कूपन खोल के आता है, जहाँ MSME के लिए अगर आवेदन करते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे, और व्यक्तिगत के लिए यहाँ से करना है तो आप इस वाले के लिए क्लिक कीजिएंगे। एग्जाम्पल तो चलिए मान, अगर MSME वाले कोई लेना चाहता है तो आपके MSME ऋण वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जैसे फ्रेंड कोई MSME ऋण वाले ऑप्शन में क्लिक करना है तो वहाँ सबसे पहले अपना पूरा नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर देना है, कैलेंडर्स आप अपना जन्मतिथि चूज कर लेंगे, फिर फ्रेंड आप यहाँ से मेल या फीमेल जो भी जगह से चूज कर लेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से देख फ्रेंड जो भी फ्रेंडाबाद क्या रहेगा आप यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, आप कितना लोन लेना चाहते हैं आप उसे क्लिक कर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ऋण लेने का उद्देश्य आप यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ जो भी आपको जानकारी चार्ट में एक्सेप्ट करना है, रिपोर्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से फिनो फिनकेयर से यानी फिनो फिनकेयर आप लोन ले सकते हैं, जो कि भी 2 प्रकार के लोन दिया जाता है, यहां से 3 प्रकार के लोन इसमें दर्शाए गए हैं। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता दी, उम्मीद करते हैं वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। इसके अलावा आपके मन कोई डाउट होगा भी तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं जल्द वीडियो नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।